नमस्कार दोस्तों, आर के मैकेनिकल चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपकी सिलाई मशीन बार बार सुई तोड़े तो उसे कैसे ठीक करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये सुई मशीन अंदर जाती है बाहर से टूट के आती है। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये सुई बिल्कुल सही है, नहीं लगी हुई है, सुई अंदर जाएगी, अटक रही है कहीं, आवाज आ रही ना आपको, सुई अटक रही है। ये देखो दोस्तों, सुई देखो बाहर आ रही है, देखते हैं बच गई है टूट गई। देखो दोस्तों, सुई टूट गई है पूरी तरह से। दोस्तों टूटी हुई सुई को बाहर निकालते हैं, फिर नई सुई लगाएंगे, फिर आपको मैं उसको बताऊंगा कि रीजन क्या होते हैं सुई तोड़ने के। सुई अपने देखो पूरी तरह टूटी हुई है, उसको बाहर निकाल ली है, फिर अपने नई सुई लगाएंगे। सुई टूटने का कारण नंबर एक, आप ध्यान से देखना, इसी देखो जो इसका जो फुट लगा हुआ पैर, इसके बिल्कुल एक साइड से जा रही है, ज़्यादातर सुई इस पैर पे यानी फुट पे सुई लग के टूट जाती है। तो अपने इसको कैसे सेट करेंगे आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इस पे जो फ्रंट में फेस लगा हुआ है, फेस को इससे अलग करेंगे, निकालेंगे मशीन से, फेस निकाल दिया है, उसको पैर को कैसे सेट करेंगे अभी बता रहा हूँ। वाले गज पे नट लगा है, ये ब्रेक उसको बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रेकेट में ये नट लगा होता है जो फुट वाले गज को कस के रखता है। इसको जब अपने यूज़ करेंगे उस कंडीशन में ये वाला जो पैर है गज, पैर वाला गज हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। फुट वाले नट के गज को अपने नट को अपने यूज़ कर लिया है दोस्तों, मैं तो आपको बताऊँगा कि इसको कैसे सेट करें। ये जो है ना, इसको फुट को थोड़ा सा सेंटर में करेंगे, आसानी से हो जाएगा। हाथ से कर लिया अपने आपको इस पैर के सहायता से कि ब्रैकेट में जो नट लगा हुआ है पैर वाले गज के अंदर, इसको टाइट करेंगे। दोस्तों इसको टाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने बिना टाइट किए फिर फुट को नीचे कर लिया ना तो वापस इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर आपसे शायद सेटिंग नहीं हो रहेगा। दोस्तों इस फुट वाले नट को आप जब कभी भी खोलो तो हमेशा ये फुट वाला का जैसे ऊंचा करके फिर इसको लूज़ करना, कहीं ये नीचे हो आपने लूज़ कर दिया तो वापस बहुत ऊंचा चला जाएगा, शायद आपसे बाद में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे देखना सुई बिल्कुल अब सेंटर में है, अपने एक समस्या तो हल हो गई। नंबर दो रीजन है नीचे वाली ये पटरी, जो प्लेट लगी होती है इसको पटरी बोलते हैं। इसको आपने देखने के इसके छेद में सुई बिल्कुल सही आ रही है नहीं आ रही। सबसे पहले अपने फुट को अलग करेंगे, खोलेंगे, फुट को निकाल लिया है, देखेंगे सुई बिल्कुल सेंटर में आ रही है कि नहीं आ रही। दोस्तों इस मशीन की सुई बिल्कुल सेंटर में आ रही है, कुछ एक मशीनें आती हैं उसमें सुई सेंटर में नहीं आती, सुई बिल्कुल इस पटरी के थोड़ा बहुत इधर उधर लगती है साइड में, मतलब इसके चलती है। तो उसको सेट करने के लिए ये इस साइड में ऐसे जैसे जैसे इस साइड में लग रही है, ये इस साइड में सुई ज़्यादा आ रही है तो इस साइड से पैसे से लगा लो पटरी के और थोड़े से ठोकर लगाओ इधर हो जाएगी, तो आपकी सुई जो पटरी के सुराग में बिल्कुल छेद में सेंटर में आ जाएगी। अब फुट को अपने वापस लगा देते हैं, फुट को वापस सेट कर दिया। इसके बाद मैं आपको तीन नंबर रीजन बताऊंगा, ये सुई वाला गज जो ऊपर नीचे हो रहा है इसमें सुई लगाते हैं, ये वाला सुई गज है जो इसमें दिक्कत आ जाती है। इसमें आपको ऐसे हिला के देखना है, इसकी प्लेट नहीं है, यदि ये हिल रहा है तो आप उसको नया डलवा लें, यदि नहीं हिल रहा तो आपको बिल्कुल इसकी सेटिंग में आपको बताऊंगा कि सुई कहाँ पर होती है कहाँ टूटती है। अपना तीन नंबर रीजन जो सुई वाला गज है, इसको सुई सलाख भी बोलते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों पूरी और संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। रीजन नंबर चार वो आपको बताऊंगा, इसका जो छीटल है ना बोबिन कस निकालते हैं, बोबिन निकाल के फिर आपको दिखाऊंगा छीटल में क्या दिक्कत आती है, सुई क्यों टूटती है, इसके लिए अपने बोबिन कस को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा छीटल में। छीटल को चेक करते हैं ऐसे हिला के, कैसे
ज़्यादा मूवमेंट है, हिलर है, ऐसे ऐसे आगे पीछे प्लेन तो होनी चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाली प्लेन ऐसे ऐसे वो नहीं होनी चाहिए। वो ज़्यादा है तो भी आपकी मशीन ताप भी मारेगी और सुई भी तोड़ेगी। तो अभी दूसरी साइड चेक करते हैं इसकी, ये बिल्कुल सही है। आप चेक कर लेना, हो सकता है आपकी मशीन का इसमें ज़्यादा प्ले हॉस्पिटल में। दोस्तों अब तक मैंने आपको चार रीज़न बता दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा रीज़न नंबर पाँच, जो सबसे बड़ा और अहम कारण होता है सुई तोड़ने में। आपको बताऊंगा ये वाली गलत पे जो सुई लगती है, सुई और हॉस्पिटल का जो बिल्कुल इसमें गैप होता है, थोड़ा सा गैप रहना ज़रूरी है। कई बार इसमें गैप नहीं रहता, सुई हॉस्पिटल पर लग के जुड़ जाती है, उस गैप को थोड़ा सा कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मशीन को ऐसे बाहर निकाल के इस पोजीशन में रख लेना दोस्तों, फिर बॉबिन को इसको इससे अलग करेंगे, बॉबिन को बाहर निकाल लिया है। ये नंबर पाँच के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, सीटर को बिल्कुल ध्यान से देना, थोड़ा सा ऐसे घुमाना है यहाँ पर, बस यहाँ रोक लो, फिर सीटल को अपने ऐसे इलाके देखेंगे ऐसे, और गौर से सुई भी देखना है कि सुई इसके साथ में हिल रही है या नहीं हिल रही, इतना गैप है नहीं, यदि सुई बिल्कुल चिपकी हुई है तो थोड़ा बहुत इसमें हिलाएंगे ना तो सुई भी टच होकर हिलती है। सीटल को उसी पोजीशन में रहने देना, फिर एक पैसेज लेना, उससे ऐसे थोड़ा हल्का सा दबा के चेक करना सुई कितना पीछे जा रही है, ये सुई बिल्कुल भी पीछे जा रही है, इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं हो रही है, मतलब सीटर के साथ बिल्कुल चिपकी हुई है, थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है, तब भी आपको बताऊंगा इसमें गैप कैसे करेंगे। ये सुई वाला जो नट लगा है इसको खोलेंगे, इसको चुटकी बोलते हैं, इसको लूज़ करते हैं, लूज़ कर लिया, इस सुई को बाहर निकालेंगे, इसको सुई को बाहर निकाल दिया, इस नट चुटकी को बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर निकाल लिया, फिर गज को ऊपर लेके जाना है दोस्तों, ध्यान देना ये लिंक कह रहा जो बिल्कुल पीछे आ जाता है, ये बिल्कुल गज अपना पूरा नीचे ऊपर आ गया, देखो नीचे आ रहा है फिर ऊपर चला गया, जितना ऊपर जा सके उतना ऊपर करना है, ऊपर चला गया। फिर इसके जो बैक साइड में आपको बताऊँ सीवर गज है, इसके बिल्कुल बैक साइड में यहाँ पे हल्की सी चोट लगानी है ऐसे, फिर सुई लगा के चेक करेंगे कितना गैप हुआ है या नहीं। सुई को वापस लगा लिया है, इस सब चुटकी वाले नट को थोड़ा टाइट करेंगे ताकि सुई खुल के नीचे ना गिरे। अब दोस्तों गौर से देखना, अब सुई को हिला के देखो, तो पैसे लगा रखा है मैंने ये वाला, या फिर इसको सुई को ऐसे दबाते हैं तो नीचे सुई देखते हैं कितना गैप, तो आगे पीछे हो रही नहीं दोस्तों, बिल्कुल गौर से देखना, शायद आपको वीडियो में ना पता चले लेकिन रियल में जब आप करोगे तो आपको एहसास होगा कि सुई आगे पीछे पीछे जा रही है, मतलब अपना गज बिल्कुल सेट हो गया है। सुई तोड़ने के पांच रीजन मैंने जो आपको बताए हैं, बिल्कुल ये परफेक्ट रीजन बताए हैं, बिल्कुल मैं आपकी मशीन सही हो जाएगी, सही तरीके से रीजन काम करते हैं दोस्तों। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, इसी वीडियो को मैंने निकलने की, मैं खुद एक मैकेनिक हूँ, इसलिए मैंने अपना जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको सही और परफेक्ट राइज दी है दोस्तों। यदि मेरे द्वारा देगी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों, जाते जाते सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा देना, अपनी उंगली का जादू दिखा देना, धन्यवाद।